अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में हूँ। एज़ यूजल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और अमायरा के लिए पराठा, अपने लिए रोटी, हस्बैंड के लिए रोटी। तो अमायरा के लिए एक पराठा बनाया है, एक से ज़्यादा वो नहीं खा पाएगी, और इसके साथ मैं ऑमलेट बनाऊँगी। तो बस आज का मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफास्ट यही है। यहाँ पर मैंने दो अंडे तोड़ दिए इस बाउल में, और इसमें डाल लिया थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, एक हरी मिर्च डाली है बारीक काट करके, और अमायरा को दूंगी तो मैं हरी मिर्च के बिना बनाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और नमक डालिया है। बस ऐसे ही ऑमलेट बनाऊंगी, सिंपल सा। तो आज है छुट्टी का दिन और आज सबकी छुट्टी है। अमायरा घर पे है और अमायरे के पापा भी घर पे हैं, सभी लोग घर पे हैं। कुछ काम सुबह इतनी जल्दबाजी है नहीं कि किसी को ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है। तो आज मैंने अमायरा से पूछा था कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, तो उसने आज बोला अंडे की ऑमलेट खानी है। तो फिर मैंने उसके लिए ऑमलेट बना लिया है आज, और पराठे बना लिए हैं। तो अंडे वो खा लेती है शौक से, उबले हुए अंडे भी खा लेती है, ऑमलेट भी खा लेती है पराठे के साथ। तो ब्रेकफास्ट में अक्सर मैं उसको ऑमलेट पराठा दे देती हूँ। जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वो भी मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन रखा हुआ है, इसकी मैं यखनी बना रही हूँ। तो यखनी पुलाव बना रही हूँ, और इसमें मैं पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ। इसमें मैं ज़र्दा बनाऊँगी, तो ये मैंने राइस भी भिगो के रखे हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं गरम मसाले डाल रही हूँ यखनी के अंदर, थोड़ी सी काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, चार पांच लौंग डाल रही हूँ इसके अंदर, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और एक हरी इलायची, जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दूंगी, और छोटा सा डाला है। इसके बाद तेजपात के पत्ते डालेंगे इसमें, दो तीन तेजपात के पत्ते यानी कि बे लीफ। सौंफ डालेंगे, दो चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें भर के सौंफ। एक चम्मच जीरा, और डालेंगे इसमें धनिया, साबुत धनिया। ये बचा हुआ धनिया था तो मैंने इसे बांध के रख दिया था, इसको ऐड कर लेंगे। एक मुट्ठी के करीब में डाल रही हूँ इसमें। तो एक प्याज में इसमें मीडियम साइज का काट करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा जाएगा अदरक और लहसुन, तो अदरक और लहसुन आप चाहें तो काट करके डाल दें, लहसुन की कलियाँ आप छील करके वॉश करके डाल दें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। तो इसमें मैंने चावल भी जो है भिगो के रख दिए हैं, तो चिकन पुलाव के लिए जो मैंने चावल लिए हैं वो मैं अभी भिगो के रख दूंगी। तो तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको भिगो के रखूंगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने इसमें, एक से डेढ़ चम्मच। हरी मिर्च डाल दूंगी दो तीन इसके अंदर। तो अब ये यखनी बनती रहेगी, इसके चावल ही भिगो के रख दिए, दूसरी साइड जर्दे का कलर मैं डाल रही हूँ, पानी बॉयल हो गया है। तो फूड कलर इतना ही डालेंगे जिसमें अच्छे से चावलों पर कलर आ जाए। तो मिक्स कर दिया है मैंने, इसके बाद इसमें राइस ऐड कर रहे हैं। तो राइस को मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो ये जल्दी उबल के तैयार हो जाएंगे, हमारा जल्दी बनेगा। तो पहले से भिगो के रख दें चावल को, जिससे जल्दी उबल जाए। क्या पढ़ाई कब करोगी बताओ। नहीं, तुम्हारी छुट्टियां सारी खत्म हो गई और तुम पढ़ने के लिए एक दिन भी तुमने पढ़ाई नहीं करी। करोगे कभी ये बताओ मुझे।
पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? कल तो स्कूल जाना है। आज, फिर आप बुक्स निकालो, फिर बैठो जाके, मैं आ रही हूँ। पहले आप सब्सक्राइब करो। नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर। ठीक है फिर। ये देखिए यखनी में भी बॉयल आ गया है और चावल भी हमारे बॉयल होने लगे हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है तो मैं हाई फ्लेम करके इसको जल्दी से बॉयल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चावल को मैंने बॉयल कर लिया है। चावल को हमें फुल बॉयल करना है, फुल बॉयल करना है, एकदम अच्छे से पका लेना है। उसके बाद हम इसे छलनी में निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे इसको छलनी में निकाल रही हूँ, और निकालने के बाद इसको छलनी में फैला करके हम रख देंगे जिससे ये ओवर कुक ना हो। तो ये हमारे चावल रेडी हैं। पैन के अंदर जो पानी है इसे भी निकाल करके छान लेंगे। तो मैंने चावलों को छान लिया है, यखनी हमारी रेडी हो गई है। यखनी का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें डाली हूँ थोड़ा सा घी। घी में हम इसे बनाएंगे, और इसमें डालेंगे 4 लौंग, 2 हरी इलायची। फ्लेवर के लिए इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है, इसमें डाल दी मैंने 2 हरी इलायची। इलायची का मुंह ऊपर से खोल देंगे थोड़ा सा, जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और इसके बाद जो हमने राइस रखे हुए हैं बॉईल करके, वो इसके ऊपर हम लेयर लगा लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे अभी, और यहाँ पे चावल को फैला लेंगे इस तरीके से। सरदा बनाना बहुत आसान है, इसी तरीके से हम लोगों के घरों में बनता है। और ऊपर से हम चीनी की लेयर लगा देंगे। चीनी आपको अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, वैसे जितना चावल होता है उतने ही चीनी ली जाती है, या थोड़ी बहुत कम ले सकते हैं। फिर बाकी की बची हुई चीनी ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इसको ढककर के पकाएंगे, हाई फ्लेम कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे जो कि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद एक बार ढक्कन हटा करके फिर से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। इसको एक बार मिक्स कर देंगे, ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई अच्छे से। और इसका जो चीनी मेल्ट होने के बाद जो थोड़ा सा सिरप बन जाता है, इसका चाशनी बन जाती है, उसको अच्छी तरीके से आपको ड्राई करना है। ये देखिए ड्राई हो गई है। ड्राई होने के बाद अब इसको हम दम पे रखेंगे। तो इसमें डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा नारियल भी डाल रही हूँ इसमें। और अब इसको ढक करके, थोड़ी सी चेरी पड़ी है मेरे पास वो डाल रही हूँ, और इसको दम करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो आपके गैस स्टोव में सबसे लो फ्लेम हो उस पे रख दीजिए। 10 से 15 मिनट इसको दम करेंगे। अब बनाते हैं बिरयानी। तो ये यखनी चिकन पुलाव है, लेकिन हमारे घर में इसको बिरयानी बोला जाता है, तो वैसे भी मुरादाबादी बिरयानी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, 3.5 चम्मच के करीब, क्योंकि जो चिकन होता है उसमें थोड़ा सा चिकनाई कम होती है, तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है जिससे चावल सूखे सूखे ना लगे। तो अभी ऑयल गर्म हो गया है, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं इसमें स्लाइस काट करके। इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, थोड़ी सी प्याज निकालेंगे जब हम दम करेंगे बिरयानी को, तब हम थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। तो बहुत थोड़ी सी प्याज निकाल ली है, प्याज ब्राउन हो गई है। इसमें साबुत गर्म मसाले डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च, 2-3 लौंग है, हरी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, जो भी आप डालना चाहें। थोड़े से साबुत गर्म मसाले डाल दें, उसके बाद चिकन की बोटियाँ निकाल करके यखनी में से वो ऐड करेंगे, और इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। चिकन को अच्छे से भूनेंगे, इसके बाद अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच भर के, इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे, चला लेंगे इसको। अब इसमें डाल देंगे 2-3 हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च लिए, इसको काट करके बीच में से डाल दिया है। तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो कम हरी मिर्च डालें, और ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी हरी मिर्च को क्रश करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें दही, 2-3 चम्मच के करीब दही डाल दिया। दही डाल के थोड़ा सा चलाते हुए इसको भून लेंगे। 1 चम्मच भर के इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। तो नींबू का रस मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा खट्टी ना हो जाए बिरयानी, क्योंकि दही भी डाला है। तो नींबू का रस डालेंगे, नींबू का रस डालने से हमारी जो बिरयानी है या पुलाव है बहुत ही चटपटा बनता है। तो नींबू का रस ज़रूर ऐड करें, और चावल भी बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। नींबू का रस ऐड कर दिया, इसके बाद यखनी का जो पानी है वो छान करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें सारा। थोड़ा सा हम इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे बाद में जब हमें ज़रूरत लगेगी। तो अभी इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो चावल मैंने भिगो के रखे थे, मैंने यहाँ पर 2.5 कप के करीब राइस लिए हैं। 1/2 किलो चिकन है तो 1/2 किलो चावल आप ले सकते हैं उसमें।
थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप राइस लिए थे, इसको अच्छे तरीके से भिगो के रखा 20 से 25 मिनट। ओवर आप इसको भिगो के ना रखें, तो ज़्यादा भिगो के रखेंगे तो चावल आपके एकदम गीले हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 या 30 मिनट आप भिगो के रख सकते हैं बासमती राइस को। इसके बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने इसमें, और इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट बॉईल कर लिया है। 5 से 6 मिनट ढक कर के इसको बॉईल किया है हाई फ्लेम पे। अब इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, 20% के बराबर पानी होगा। आप इसको ढक करके दम करने के लिए रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, और लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है। तो चावल जो है दम हो चुके हैं, बट इसको अभी हम थोड़ी देर और रखेंगे। तो इसमें डाल दिया मैंने ऊपर से फूड कलर, इसमें मैंने डाल दिया केवरा वाटर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप। ऊपर से डाल देंगे प्याज तली हुई, और कुछ नींबू के स्लाइस भी ऐड कर देंगे इसमें, जैसे ये दिखने में अच्छा लगेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि नींबू के आप स्लाइस ऐड करें, मैंने नींबू का रस इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है। तो बस इसको ढक करके 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। अब 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी या हमारा चिकन का पुलाव किस तरीके का बना है। तो 10 मिनट हो गए हैं, चलिए ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन पुलाव बहुत ही अच्छा खिला खिला बना है। राइस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं जिससे ये एकदम खिले खिले हो जाए। ये देखिए एकदम खिला खिले हमारे राइस बने हैं, और हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये देखिए एकदम खिले खिले बने हुए। तो बस इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, हमारे घर में यही बिरयानी कह लीजिए या चिकन पुलाव यही खाया जाता है। तो हमारा को भी यही पसंद है, थोड़ा सा कम स्पाइसी होता है तो वो आसानी से इसको खा लेती है, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती है, और उसको शुरू से यही पसंद है। तो यही वाला वो कहती है मम्मा वो बिरयानी बना लो वो वाली, तो उसके हिसाब से फिर यही बनती है हमारे घर में, और उसके पापा को भी यही पसंद है, तो दोनों बाप बेटी की पसंद एक जैसी है, तो यही बना लेती हूँ मैं। तो इसके बाद मैं आपको ज़र्दा दिखाती हूँ। ज़र्दा हमारा दम हो गया है, 10 से 15 मिनट मैंने लो फ्लेम पर पका लिया था, उसके बाद इसे ढका ही छोड़ दिया है मैंने, तब से रखा हुआ है। इसके बाद देखिए हमारा ये ज़र्दा भी एकदम रेडी है। ये तो बनाया है ये ज़र्दा आज के दिन, और आप लोगों ने किस चीज़ पे न्याज लगवाई आप ज़रूर मुझे कमेंट के थ्रू बताएं क्या क्या बनाया आप लोगों ने। मैंने तो आज सिंपल सा ही खाना बनाया है, बस इसी में काफ़ी टाइम लग गया। खाना मैंने बना लिया था, और आज का दिन हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये मैंने शाम को डिनर में बना लिया था कोरमा, थोड़ा ड्राई ड्राई बनाया था क्योंकि खाना सुबह का भी रखा हुआ था, काफ़ी सारा बिरयानी रखी थी और थोड़ा सा ज़र्दा भी रखा हुआ था, तो मैंने कोरमा बना लिया था, रोटी बना ली थी, तो ये डिनर हो गया था। तो बस यहीं तक था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।